का बाप तो बाप होता है, नया बाप पुराना बाप, ये क्या चीज होती है? अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पहचान कौन, जैसे मुख्यमंत्री कौन? हमारे जो राज्यपाल महोदय, मैं उनको राज्यपाल महोदय नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि राज्यपाल पद का आदर करना चाहिए और जिसका आदर मैं करता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति कोश्यारी बार बार महाराष्ट्र के खिलाफ या महाराष्ट्र का अपमान करते जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारे सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ गलत कहा, उसके पहले मुंबई ठाणे में रहने वाले मराठी लोगों का अपमान किया, और अब तो हद हो गई। हमारे जो दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उन्होंने पुराने आदर्श कर कर उनका उल्लेख किया। ये पुराना आदर्श क्या होता है? और इसलिए हमारे जो जिला प्रमुख है, मुझे लगता है कोल्हापुर के जिला प्रमुख, उन्होंने एक अच्छा मिसाल दिया। उन्होंने कहा बाप तो बाप होता है, नया बाप पुराना बाप, ये क्या चीज़ होती है? तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि अब एक दो विषय पर विवाद या चर्चा हो रही है, जैसे हमारे देश के लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा, उन्होंने तो आशंका जताई है कि जो भी हमारे जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है उसके लिए कोलिजियम होता है, उसके ऊपर उन्होंने आशंका जताई है कि ये इसमें अपारदर्शकता है और वो अधिकार प्राइम मिनिस्टर को होने चाहिए। मतलब ये जो पूरी संस्था है, न्याय संस्था, वो भी अपने हाथ में वो लेना चाहते हैं, जिसका विरोध तो होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई कोर्ट तो करेगी। साथ ही साथ और एक विवाद चल रहा है, एक केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशनर के बारे में, और उसमें हमारे जो न्यायमूर्ति साहब है उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशनर कैसे उनको नियुक्त किया जाता है, उसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए, उसकी कुछ तो सिस्टम होनी चाहिए। और इसी तरीके से गवर्नर या राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, क्या क्राइटेरिया है? अब तक तो ऐसे माना जाता है, और हमने देखा है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है वो उनके मर्जी से उनके व्यक्ति अलग अलग राज्य में भेजते हैं। स्वाभाविक है जो भी व्यक्ति वो राज्य में भेजते हैं वो उनके विचारधारा के अनुसार चलते हैं। और अब ये सवाल उठता है कि जो हमारे कोश्यारी शिवाजी महाराज जी के बारे में जो उन्होंने कहा, सावित्रीबाई फुले के बारे में उन्होंने कहा, तो विचारधारा की अगर बात करें तो ये क्या भाजपा की विचारधारा है? दूसरी बात, ये थोड़ा कम हो रहा है या इससे शायद नज़र हट जाए, इसलिए हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है बोम्मई, ऐसे लगता है कि उनके शरीर में भूत ने प्रवेश किया है, अंगद भूत है तो म्हणतो ना, और क्या कैसे पता नहीं हमारे 40 गांव पर उन्होंने दावा ठोक दिया। तो क्या महाराष्ट्र में लोग रहते नहीं है? महाराष्ट्र में क्या हिम्मत नहीं रही बाकी? महाराष्ट्र का स्वाभिमान वगैरह हमने कुछ छोड़ दिया? और ये ऐसे कोई भी आएगा और हमारे खिलाफ कुछ भी बकते चले जाएगा, ये अभी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा कि अब समय आया है, ये सारी जो बातें हैं हम अनदेखी करें तो शायद आगे जाकर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब समय है, और मैं आपके माध्यम से जितने सारे महाराष्ट्र के प्रेमी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रेमी है, फुले शाहू अम्बेडकर सब प्रेमी है, भक्त है, उनको मैं कहता हूँ चलो पार्टी बाजू में रखते हैं, अगर हमारा राज्य रहेगा तो हम रहेंगे। देश तो बड़ा है, देश तो रहना ही चाहिए, लेकिन राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए। और कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, 2-5 दिन इंतज़ार करेंगे, अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा, और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए, अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चा की बात हो, या देखा जाएगा, सबको साथ में लेकर हम तय करेंगे। अरे एक मिनट आएगा ना, कोल्हापुर से लेकर अब तक भी मांग रहे हैं, जबकि कुछ गांव मांग रहे हैं अब केंद्र में और राज्य में, एक दोहराइए जरा, लेकर वहां के मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, राज्य और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, नहीं राज्य भाजपा की सरकार है। अरे एक 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 करके पूछिए ना, हाँ, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे इसको देखते हो? नहीं, मैंने जैसे मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पहचान कौन, जैसे मुख्यमंत्री कौन, और लगातार ये उप मुख्यमंत्री कुछ बातें करते जा रहे, मुख्यमंत्री को तो हिम्मत नहीं है इसके खिलाफ कुछ बात करने की। स्वाभाविक है, ऊपर वाले की मर्जी,
जो ऊपर वाले कहेंगे उनको वहाँ जैसे बोलना पड़ता है। तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्ष के हैं, उन्होंने जो अचानक बात छेड़ी है, क्या उसको ऊपर से आशीर्वाद है या ये केंद्र की मानसिकता है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। और ये विरोध करेंगे हम, जाने नहीं देंगे, ये फिजूल की बातें हैं। आप स्वयं मतलब अपने राज्य के बहुत सारे मंत्री तो गए गुजरात में प्रचार के लिए, ऐसे मैंने पढ़ा। आपने कहा कि जैसे अपनी भूमिका ली थी वीर सावर जी के मामले में, आपने जैसी भूमिका ली थी वीर सावर जी के अपमान के मामले में कि हम यूपीए से मतलब महाविकास आघाड़ी से बाहर तक बाहर पड़ेंगे, हमने स्पष्ट किया था ये सरकार नहीं। ये तो देखो, हम ये क्यों कह सकते हैं, ये इनको सब इनको वहाँ कुर्सी पर कुर्सी को चिपक के बैठना है, ये लाचार है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और उस महाराष्ट्र के हम मुख्यमंत्री हैं, ये भावना उनके मन में नहीं है। हम मुख्यमंत्री, हम मतलब वो बने वो ऊपर वाले की मेहरबानी से, दिल्ली वाले की, तो वो दिल्ली के खिलाफ क्या कहेंगे, क्या वो कुर्सी छोड़ सकते हैं, हिम्मत है उतनी। और ऐसे महाराष्ट्र के अपमान सहना, क्या ये बाला साहब का हिंदुत्व है।